अभी मैंने मेरा काम फिनिश किया है, 6 o'clock हुए हैं, तो मैंने क्लीनिंग भी मेरा हो गया है, मैंने हुअर वगैरह सब क्लीन किया है, तो मैंने मेरा पूरा मंदिर आज क्लीन किया। मैं सुबह जल्दी उठ गई, मैं 5 बजे उठी हूँ, और फिर मैंने फर्स्ट क्लीनिंग किया पूरा। और संतोषी माता है मेरे मंदिर में, तो पूजा वगैरह सब हो गई है। अभी मैं खाना बना रही हूँ, सोयाबीन है, सोयाबीन की सब्जी बनाऊंगी, बैंगन का भरत बनाऊंगी मैं, ये दाल है तो ये दाल को मैं तड़का दूंगी अभी। ये हस्बैंड कैरी लेके आए हैं, वो जब भी इंडियन शॉप में जाते हैं मेरे लिए कैरी लेके ही आते हैं। ये मेरा गार्डन है, तो जब भी मैं खाना पकाती हूँ, मुझे अगर कोरिएंडर की ज़रूरत है तो ये मैंने कोरिएंडर मेरे गार्डन में ही रहता है, मैं ग्रो करती हूँ घर पे ही। ये पुदीना है और ये अष्टक के फूल है, देखिए कितने मस्त आए हैं एकदम, तो भगवान को मैं यही चढ़ाती हूँ। ये मेरा किचन है पूरा, तो किचन के अंदर ही मैं कॉर्नर पीस है, तो कॉर्नर पीस पे ये सारी चीजें मैंने रखी है, मुझे बहुत पसंद है। मैं गणपति घर पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, रहने से ऐसे लगता है कोई है घर पे। तो ये पिकॉक है, ये गौतम बुद्ध है, गणपति है, ये कृष्णा है, और नीचे और एक गणपति है, जैसे कि हम लोग ने हमारा पहला घर लिया था यहाँ पे, तो ये मेरी पूजा की मूर्ति है। ये मैंने दूसरा घर लिया तो ये दूसरे घर की मूर्ति है, ये वो भी एक है, वो ब्रास की है, तो वो भी एक है। ऐसे मैंने पूरा मेरा कॉर्नर पीस डेकोरेट किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे फ्रेश लगता है, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन में ही लगाती हूँ। यहाँ पे बैठ के ही सब काम होता है मेरा, अगर मुझे कुछ काम करना है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, कुछ भी करनी है, तो यहाँ पे ही बैठती हूँ। मेरे पास प्लांट्स बहुत है, देखिए ये भी प्लांट है, बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। मुझे प्लांट्स ज़्यादा पसंद है, घर में मेरे बहुत सारे प्लांट्स हैं। ये मेरा एंट्रेंस है, वहाँ पे भी देखिए मेरे पास कितने सारे डिफरेंट प्लांट्स हैं। ये बेजिल है, ये ग्रो हो रहा है, मनी प्लांट है, ये और एक चाइनीज मनी प्लांट है, और एक प्लांट है, मेरे पास डिफरेंट प्लांट्स हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और ये सब मैं आइकिया से लेके आती हूँ। मैंने आइकिया का वीडियो भी अपलोड किया है, आप पहले देख लीजिए, आप देखिए। और एक एंट्रेंस के सामने ही और एक गणेश जी की मूर्ति है, ये चाइनीज बाबा है, जो घर पे कोई भी आता है तो अच्छे से वेलकम करता है, अच्छा लगता है मुझे ये सब रखने में। तो ये मेरा एंट्रेंस है, मैंने पकोड़े भी अभी पूरी तरह से बनाए हैं, अभी मेरा सब काम पूरा हुआ है, अभी हम लोग खाना खाएंगे। ये मेरे घर का नया मेहमान है, मेरे हस्बैंड मेरे लिए एयर फ्रायर लेके आए, क्योंकि कभी कभी मुझे चिप्स वगैरह कुछ नगेट्स वगैरह कुछ फटाक से बनाना पड़ता है, बच्चों को कभी कभी तुरंत जल्दी जल्दी चाहिए सब, इसलिए फिर मैंने ये एयर फ्रायर, ये तिफल का एयर फ्रायर है, जो तिफल ब्रांड है उसका मैं लेके आई हूँ। चालू होता है, फिर इसके अंदर अगर चिप्स डालने हैं तो 15 मिनट्स लगते हैं। ये बहुत अच्छा रहता है एयर फ्रायर, इसमें फटाक से सब हो जाता है, जैसे कि आप चिकन करी बना सकते हो, आप फिश फ्राई कर सकते हो, तो ये मैं अलग से वीडियो उसका करने वाली हूँ। मेरा आटा भी रेडी है, अभी मैं रोटी बनाऊँगी। देखा आपने, 2 मिनट में मेरा आटा पूरा रेडी हो गया। अभी मेरी रोटी का काम चालू है, तो मुझे 10-15 रोटी लगती है, क्योंकि हम लोग रोटी ज्यादा खाते हैं, राइस कम खाते हैं। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू।